ये वही लाल चौक है जहां किसी को हिम्मत नहीं था कि तिरंगा फहरा दो। ये वही लाल चौक है जहां तिरंगा का अपमान होता था और जम्मू कश्मीर के मुसलमान तिरंगा को पांव से रौंदते थे। ये वही लाल चौक है जहां हिंदुस्तान मुर्दाबाद कई टुकड़े होंगे वहां आवाज लगता था। ये वही लाल चौक है जहां प्रो पाकिस्तान स्लोगन उठाए जाते थे। देखिए इतिहास कैसे करवट लेता है। और ये वही लाल चौक है जो भगवामय हो गया है, जहां तिरंगा फहराया जा रहा है और 26 जनवरी को एकदम पूरी तरह से स्पेशल लाइट इफेक्ट देके पूरा तरह से चमकाया जा रहा है। ये वही लाल चौक है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए चौक हुआ कि 370 के हटने के बाद जब पूरा प्रशासन गवर्नर रूल में आया जी। जब महबूबा और फारूक अब्दुल्ला ऐसे राजद्रोही पाकिस्तान एजेंट, मैं रिपीट करता हूँ, ये दोनों ट्रेटर हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, जब इनके विंग्स क्लिप किए गए, जब इनको दिखा दिया गया कि तुम्हारी औकात क्या है, तो ये सब संभव हो रहा है। प्लीज सब्सक्राइब प्रज्ञा मीडिया। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू प्रज्ञा मीडिया। प्रज्ञा मीडिया प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब टू प्रज्ञा मीडिया। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो। प्रज्ञा मीडिया।